डिस्टिलेशन मेथड की, लेकिन अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नया मेथड जिसका नाम होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, आप सोचोगे सर दोनों ही डिस्टिलेशन है तो सर अलग अलग क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो एक छोटा सा डिफरेंस होता है सिंपल डिस्टिलेशन में और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। सिंपल डिस्टिलेशन में जो मिक्सचर लिया जाता है लिक्विड्स का, वो ऐसा लिया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम से कम कितना हो, 25 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सर ऐसे लिक्विड के मिक्सचर में सेपरेशन में यूज किया जाता है जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 या 25 से भी कम होता है। जैसे हमारे पास में मान लीजिए मिक्सचर है एल्कोहल प्लस वाटर का, ठीक है, एल्कोहल एंड वाटर तो सबने सर देखा ही होगा खूब अच्छे से, है ना, कभी ना कभी। तो एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग लगभग 78 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबको पता है सर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इन दोनों ही लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस, 25 से कम है। तो क्या आप यहाँ पर सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे, तो आंसर है नो सर, इस कंडीशन में हम सिंपल डिस्टिलेशन का मेथड यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की ही वेपर ऊपर जाएंगी, वाटर की भी वेपर जाएगी और लिक्विड एल्कोहल की भी वेपर ऊपर जाएगी और दोनों ही वेपर यहाँ पर कंडेंस होके कलेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक नया मेथड हमने बता रहे हैं आप लोगों को इस वीडियो में जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डायग्राम बिल्कुल डिस्टिलेशन की तरह है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा अंतर है, यहाँ पर हमने एक और कॉलम लगा दिया है जिसको हम नाम दे रहे हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या फ्रैक्शनल कॉलम। चलिए ठीक है, क्या नाम दिया है हमने इसको, फ्रैक्शनल कॉलम। ये जो हमने गोल 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 बनाए हैं ये हैं ग्लास बीड, क्या है ग्लास बीड, जो छोटे छोटे कंचे होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे कांच के, वो है ये ग्लास बीड। ये वो स्टैंड जैसे ट्राइपॉड स्टैंड, ओके, बर्नर, आरबी फ्लास्क। आरबी फ्लास्क क्या होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क, है ना। यहां पर हमने जो मिक्सचर लिया हुआ है वो किसका किसका मिक्सचर लिया हुआ है, एल्कोहल प्लस वाटर, ओके। अब ये कंडेंसर, ठीक है, हो गई सारी चीजें। दिस इज व्हाट, थर्मोमीटर, ठीक है। तो ये सारा हमने सेटअप कर लिया, सबको लगा दिया, आप लोग डायग्राम भी देख सकते हो, आप लोगों की स्क्रीन पर भी डायग्राम ये सारी चीजें आ रही होंगी। अब हमको करना क्या है, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपने सर क्यों लगाया, देखो जैसे ही हम गर्म करेंगे इस मिक्सचर को तो यहाँ पर वेपर, वाटर की भी वेपर ऊपर जाएगी और एल्कोहल की भी वेपर ऊपर जाएगी, दोनों की ही वेपर एक साथ ऊपर जाएगी, वाटर की भी वेपर ऊपर जाएगी और एल्कोहल की भी वेपर ऊपर जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चल रहे हैं आप देख रहे हो इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का टेम्परेचर ऊपर जाने पर कम होता चल रहा है, यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 79, यहाँ पर 78, और जैसे जैसे ऊपर चलेंगे, हमने छोटा सा बनाया है क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, आप वहां पर जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है काफी बड़ा होता है, तो जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सर वोलेटाइल लिक्विड है, कौन सा नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, ये बात समझिए सर। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो हम कहेंगे सर एल्कोहल वोलेटाइल लिक्विड है, और जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसको हम कहेंगे कि सर ये नॉन वोलेटाइल लिक्विड है जो आसानी से पेपर में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर दोनों की पेपर मिलेंगी तो जो वोलेटाइल है, जो वोलेटाइल लिक्विड है, तब वो यहाँ पर कंडेंस नहीं होगा, वोलेटाइल लिक्विड मतलब एल्कोहल, एल्कोहल की तो वेपर जो है यहाँ पर है ना कंडेंसर में पास होगी, एल्कोहल की जो वेपर है वो कंडेंसर में पास होगी और किस में कन्वर्ट होगी, जैसे कंडेंसर में पास होगी लिक्विड में कन्वर्ट होगी, आप लोगों को लिक्विड फॉर्म में एल्कोहल की जो वेपर है उधर मिल जाएगी। लेकिन जो वोलेटाइल लिक्विड नहीं था, जैसे कि जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड था पानी है ना, वाटर, वाटर यहीं पर क्या होने लगेगा, कंडेंस होने लगेगा, वाटर जो कि एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ही कंडेंस होने लगेगा और वापस क्या होने लगेगा, ट्रिकल डाउन हो जाएगा इसी आरबी फ्लास्क में, राइट। कैसे सर, ऐसा क्यों हो रहा है सर, यहाँ पर एल्कोहल क्यों नहीं कंडेंस हो रहा है, क्योंकि सर एल्कोहल का तो खुद बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, तो 70 यहाँ पर जो हमने टेम्परेचर दिखाया 78 ही दिखाया हुआ है, पानी
वो बॉईल होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए। कूल होने के लिए तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर कूल डाउन हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। तो जो वोलेटाइल लिक्विड है उसकी तो वेपर कहाँ जाएगी? कंडेंसर में ही जाएगी सर। कंडेंसर में जाएगी तो कंडेंसर में जाने पर यहाँ पर कंडेंस होगा और आप लोगों को एल्कोहल की जो लिक्विड फॉर्म है, वेपर एल्कोहल की कंडेंसर में पास होगी, लिक्विड फॉर्म में आप लोगों को एक बीकर में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन जो पानी है जो कि नॉन वोलेटाइल लिक्विड है वो फ्रेश नेटिंग कॉलम में ही कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होके ट्रिकल डाउन, ट्रिकल डाउन का मतलब ट्रिकल मतलब वापस नीचे ही गिर जाएगा, किसमें? राउंड बॉटम फ्लास्क में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि सर ये जो ग्लास बीड लगाई है इनका फंक्शन क्या है? ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लास बीड प्रेजेंट इन द फ्रैक्शनल कॉलम? कि सर जो फ्रैक्शनल कॉलम में आपने ग्लास बीड लगाई है उसका फंक्शन क्या है? तो आप ये बताओगे कि सर ग्लास बीड प्रोवाइड मोर एरिया फॉर कंडेंसेशन। जो ग्लास बीड है वो क्या करती है? कंडेंसेशन, जो पानी यहीं पर कंडेंस होना है उसको कंडेंस होने के लिए ज्यादा एरिया प्रोवाइड कराती है। जितना ज्यादा एरिया होगा कंडेंस होने के लिए पानी उतना ज्यादा कंडेंस होगा और यहीं पर कंडेंस होकर ट्रिकल बैक आ जाएगा राउंड बॉटम फ्लास्क में। ठीक है, इसकी लैंग्वेज बोलते हैं, देखिए, लेट्स टेक द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन राउंड बॉटम फ्लास्क। व्हेन वी हीट द मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ बर्नर द वेपर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर फॉर्म्ड एंड इट विल राइज। ओके, द वेपर ऑफ वाटर कंडेंस इन फ्रैक्शनल कॉलम एंड ट्रिकल डाउन इन राउंड बॉटम फ्लास्क। वाटर की जो वेपर है वो कंडेंस हो जाएगी कहाँ पर? फ्रैक्शनल कॉलम में, और वापस आ जाएगी राउंड बॉटम फ्लास्क में, मतलब पानी यहीं पर कंडेंस होकर वापस आ जाएगा। ओके, आगे, द वेपर ऑफ एल्कोहल विल पास थ्रू द कंडेंसर। एल्कोहल की जो वेपर है वो कंडेंसर में पास होगी एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट लिक्विड एल्कोहल इज कलेक्टेड इन अनदर बीकर। वो जो लिक्विड एल्कोहल है वो आप लोगों को एक दूसरे बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से एल्कोहल वहां पर आ जाएगा और पानी यहीं पर रह जाएगा। आप सोचोगे थोड़ा बहुत पानी जा ही सकता है उधर, तो हाँ बच्चों ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत वाटर उधर चला जाए। यहाँ पर ऐसा होगी सर 90% एल्कोहल हो एंड 10% वाटर हो, तो क्या किया जाता है? इस एल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को एक बार फिर से यहाँ पर रखो, फिर से डिस्टिलेशन करो। फिर से डिस्टिलेशन करोगे तो सर फिर से एल्कोहल का अमाउंट ज्यादा पहुंचेगा, पानी का अमाउंट कम पहुंचेगा। तो ये 2-3 बार में क्या किया जाता है, हम पूरा का पूरा एल्कोहल वाटर में से सेपरेट कर लेते हैं। एक बार में सेपरेशन नहीं होगा। आप सोचोगे सर पूरा का पूरा एल्कोहल यहाँ पर मिल जाएगा, पूरा का पूरा पानी यहाँ पर जाएगा, तो नहीं, थोड़ा बहुत वाटर वहां पर पहुंचेगा। 90% एल्कोहल पहुंचा, 10% वाटर पहुंचा, 95% एल्कोहल पहुंचा, 5% वाटर पहुंचा, ऐसा पॉसिबल है। तो हम इस प्रोसेस को 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं और रिपीट करने पर हम ये देख लेते हैं कि आपको 99.9% एकदम मतलब प्योर एल्कोहल, सारा का सारा एल्कोहल अलग हो जाए और वाटर सारा यहाँ पर हो जाए। ठीक है, तो इस मेथड में डिस्टिलेशन मेथड वही था सर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग कॉल्ड डिस्टिलेशन। बस यहाँ पर एक छोटा सा हमने अलग सा कॉलम लगा दिया है जिसका नाम दिया गया है फ्रैक्शनल कॉलम, और फ्रैक्शनल कॉलम में सर जो ग्लास मीट डाली है उनका रोल क्या है, उन्होंने क्या किया? दे प्रोवाइड मोर एरिया फॉर द कंडेंसेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट the fractional distillation.